अस्सलाम वालेकुम, मैं एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट की तलबा हूँ और मेरा ताल्लुक़ ज़िला कसूर से है। हमारे ज़िले से तकरीबन 20 से 25 स्टूडेंट्स इधर मेडिकल की तलीम हासिल कर रहे हैं, जो कि सारे इधर मुकामी लोगों लोकल के तशद्दुद के शिकार हैं। और हमें कोई भी अभी तक भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, हमें कोई भी अच्छी तरीके से सिक्योरिटी वगैरह नहीं प्रोवाइड की जा रही। तो हमने अपने आप को 2 दिन से एक रूम में बंद करके रखा हुआ है। हाँ, मैनेजमेंट इतना कर रहे हैं कि हमें 3 टाइम का खाना वगैरह जितना वो कर सकते वो कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके तशद्दुद से महफूज रखने की कोई भी गारंटी नहीं दी जा रही। इसीलिए हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वो जल्द अज जल्द कोई एक्शन ले और हमें हमें वापसी की कोई श्योरिटी दे दी जाए कि हम सेफली। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से यही है कि हमारे बच्चों को उधर या तो फॉल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए, बच्चे आसानी से इजीली अपनी तालीम जारी रख सकें, यूनिवर्सिटी जा सकें, हॉस्टल जा सकें। मेरे ख्याल में जिस तरह की हालात बने हैं ना, बच्चों का एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाए और बच्चों को बाफ़ाज़ पाकिस्तान पहुँचाया जाए। जी शुक्रिया।